सीतामढ़ी में भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बागमती नदी में स्नान करने के दौरान 4 युवक की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद आसपास के इलाके में कोहराम मचा हुआ है, वही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। घटना सुपी थाना क्षेत्र के अख्तापूर्वी पंचायत वार्ड 10 की बताई जा रही है। मृतक की पहचान मोहम्मद शहनबाज, मोहम्मद सोहेल, सहमद मंसूरी और मोहम्मद दिलशाद है। सभी गांव से गुजरने वाली बागमती नदी में नहाने गए थे और नदी में डूबने से मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहम्मद दिलशाद, जिसकी शादी अख्ता गांव निवासी नूर मोहम्मद की पुत्री से 1 साल पहले हुई थी, कल ही वह ससुराल आए थे। दिलशाद बच्चों को डूबते देखा तो बचाने के लिए नदी में कूद गया और वह भी डूब गया। वही मोहम्मद दिलशाद की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना क्षेत्र के जमुआ सफी गाँव का है। घटना की सूचना मिलते ही सुपी थाना, सुपी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे। 3 बच्चों के शव को स्थानीय लोगों की मदद से नदी से निकाल लिया गया, जबकि 1 बच्चा जिसकी तलाश की जा रही है। मौके पर SDRF की टीम पहुंचकर लापता बच्चे की तलाश को लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर सुपी थाने की पुलिस, स्थानीय प्रशासन की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 1 बच्चा सहमद मंसूरी का शव अभी भी नहीं मिल पाया है। और दुखद घटना है कि 3-4 बच्चे नहा रहे थे एक साथ में, यहाँ ससुराल आया हुआ था और पानी का अंदाजा नहीं मिला, चारों बच्चे डूब गए। 3 का अभी लाश में निकाल लिया गया, 1 का अभी जारी है। लोकल लेवल से यहाँ ट्राई कर रहे थे, नहीं मिला, तो NDRF की टीम आई है, वो अब निकालेगी। सर, मुआवजा दिलाने के लिए आप कैसे? मुआवजा तो गवर्नमेंट का नियम, जो मैक्सिमम हम लोग से बन पड़ेगा जल्द से जल्द उन लोगों को दिलाने का उपाय। 12 बजे के बाद मालूम हुआ हम लोगों की स्थानीय बच्चा 4 लड़का डूब गया है, जिसमें हम लोग आए, आने के बाद देखे गोताखोर, ग्रामीण गोताखोर से हम लोग 3 रात बॉडी को निकालने में सक्षम हुए हैं, 1 बॉडी अभी उसी के अंदर में है। अच्छा, तो स्नान के लिए बच्चे गए थे या कुछ? जी, स्नान के लिए ही गए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शेख इमरान, सरपंच प्रतिनिधि अख्तापुर में। अख्ता बागमती नदी किनारे सतार घाटी है, वहीं 4 आदमी नहाने के लिए गए थे। उनमें 3 आदमी 4 आदमी डूब गए हैं, सूचना है, डूबने सूचना। 3 आदमी को खोज लिया गया है किसी तरह, 1 आदमी का अभी खोज भी जा रही है। SDRF टीम आ रही है, वो अच्छी तरह से खोजबीन करने। सब तीनों एक ही परिवार के हैं। अच्छा, टोला में अलग अलग है ना, इसका स्नान कर जा रही है ना। सफाई का आधार कार्ड नहीं है।